अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड़िया फैशन फूड फैक्ट्री। आज की वीडियो में मैं करने जा रही हूँ राउंड घेरे वाली कमीज की कटिंग और स्टिचिंग। ये मैं आपको एक शर्ट दिखा देती हूँ, ये मैंने लाइमलाइट से ली थी। ये मीडियम साइज की शर्ट है, लेकिन आप देखें इसको कितना खुला ये सिला हुआ है, क्योंकि ये स्टाइल ही ऐसा है। इसमें बस 5 इंच के चौक होते हैं और इसको जो है बहुत खुला करके सीते हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जब मैं कटिंग करूँगी तो आप ये ना सोचें कि मैं बहुत ज़्यादा खुला जो है कट कर रही हूँ। तो ये इसी तरीके से लूज बनेगा। इसके बाजू आम कमीज के बाजू से थोड़े से छोटे बनेंगे, 17 इंच के बाजू हैं और ये पहने हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। चलें तो फिर अब हम कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये दुपट्टा लिया, ये दुपट्टे की उल्टी तरफ है, सीधी साइड जो है अंदर है। मैंने इसको लंबाई के रूप में इस तरीके से पूरा इस्त्री कर दिया है ताकि इसमें अगर कोई कान है तो वो निकल जाए। सबसे पहले मैं इसमें से फ्रंट साइड के लिए 35 इंच लंबाई निकाल लूँगी। ये मैंने बैक साइड के लिए कपड़ा बिछा लिया है इसके ऊपर। ये जो मैंने फ्रंट साइड की 35 इंच लंबाई निकाली है ये इसके ऊपर बिछा दूंगी। अब बैक साइड को फ्रंट साइड से 5 इंच बढ़ाकर मैं कट कर लूंगी। ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हम बाजू निकाल लेंगे। इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ब्रेस्ट का साइज मैंने 10.5 लगाया, तैयार 20 इंच चाहिए तो 20 का हाफ 10 और यहाँ से 1/2 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है सिर्फ। 10.5 पे निशान लगाया। कमर का निशान मैं ब्रेस्ट के साइज से 1/2 इंच कम लगाऊंगी। हिप का निशान कैसे लगाना है आप ये देखें कि टोटल कमीज की लंबाई 35 इंच है जिसमें से मुझे 5 इंच के चौक बनाने हैं, तो 30 इंच पे मुझे हिप का निशान लगाना है। अब आप अपनी नॉर्मल कमीज में जितना भी हिप रखते हैं उससे 1.5 इंच ज़्यादा यहाँ पर हिप रखेंगे। नॉर्मल कमीज में मैं हिप का साइज 11 इंच रखती हूँ, लेकिन इस केस में क्योंकि ये यहाँ पे बहुत छोटे चौक हैं तो यहाँ से ये फंसेगी, इस 1.5 इंच बढ़ा के रख रही हूँ और 12.5 पे मैं हिप का निशान लगा रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा और भी खुला कर सकते हैं, लेकिन इतना ठीक है। अब इस निशान को हम कमर के साथ मिला देंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम ये जो घेरा बनाया है इसको हम थोड़ी सी गुलाई वाली शेप दे देंगे। अब इसकी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से अब हम सिर्फ अगले पल्ले को उठाएंगे, अगले 2 पल्लों को बैक साइड की कटिंग नहीं करेंगे। अब यहाँ से हम फ्रंट साइड को थोड़ा सा डीप कट करेंगे। फ्रंट साइड की कटिंग हो गई है, अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। बैक साइड के लिए मैं 2.5 इंच आगे बढ़ा के रख रही हूँ। फ्रंट साइड पे मैंने सिलाई का मार्जिन नहीं दिया था, सारा सिलाई का मार्जिन मैं बैक साइड पे दे रही हूँ। जहां तक चौक का निशान है वहां तक हम 2.5 इंच बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पे ये मेरे चौक का निशान लगाया था, यहाँ पे चौक बन रहा है तो यहाँ तक हम इसको 2.5 इंच पे बढ़ा देंगे। 2.5 इंच मैंने बढ़ाया। अब आगे से हमने इसको किस तरह शेप देनी है आप ये देखें। यहाँ से ये 5 इंच है, जहाँ तक गोलाई है यहाँ पे भी हम 5 इंच देंगे। आगे से हम इसको कम करते जाएंगे। मैं इसको यहाँ से 4.5 पे लेके आ रही हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आगे जाके 4.5 से 2 पॉइंट और कम कर दिया, और आगे जाके थोड़ा सा 4 इंच कर दिया, और आगे जाके थोड़ा सा यहाँ पे 4 इंच से भी 2 पॉइंट कम कर दिया। यानी यहाँ से हम 2-2 पॉइंट घटाते जाएंगे और यहाँ पे इसको शेप देते जाएंगे।
शर्ट की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। कमीज को कटिंग करने के बाद मैंने इसका फ्रंट और बैक नेक तैयार कर लिया है। फ्रंट नेक की वीडियो आपको मिल जाएगी और बैक नेक के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अब हम इसका ये दामन तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने ये पाइपिंग पहले से तैयार करके रखी हुई है। ये जो पट्टी मैंने ली है इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। इसको मैंने प्रेस कर लिया है। देखिए, एक तरफ मैंने ज़्यादा चौड़ी रखी है और एक तरफ मैंने कम चौड़ी रखी। अब इसको मैं शर्ट के साथ अटैच कर लूँगी। चौड़ी तरफ जो मैंने फोल्ड की हुई है, ये देखें, ये हिस्सा जो है ज़्यादा फोल्ड हुआ है। इसको मैं ऐसे रखूँगी, एक पैर से भी कम की सिलाई लगाएंगे हम। ऐसे मैंने सीधी साइड पर रख के सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको अंदर की तरफ ऐसे टर्न कर दूंगी। इसे मैंने आयरन कर लिया है। अब ये दूसरी सिलाई भी हम इसके ऊपर लगा लेंगे। सिलाई लगाने से पहले मैंने जो है जहाँ पे राउंड शेप है वहाँ पे पिंस लगा दी हैं दोनों तरफ। दो इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा मैंने कपड़ा लिया है। इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया और इस तरीके से मैंने तकोन बना लिए हैं। अब ये तकोन जो है मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। ये सारे ट्रायंगल मैंने इस तरीके से लगा दिए हैं। अब मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, ये इसके साथ मैं यहाँ पे अटैच करूँगी। अब जब मैं यहाँ पे आखिर तक पहुँचूँगी तो मुझे यहाँ पे एंड करना है, तो इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं कट कर लूँगी और इसको मैं एंड बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लेके आऊँगी यहाँ तक। ये मैंने 1/2 इंच कपड़ा सिलाई में लिया है। यहाँ से मैं और ट्रिम करके यहाँ पे कट्स लगा दूंगी ताकि जब मैं फोल्ड करूँ तो यहाँ पे झोल ना आए। बस अब इसको इस तरह फोल्ड करके ऐसे पहले मैं आयरन कर लूंगी और उसके बाद जो है मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लूँगी। बैक साइड को भी मैंने तैयार कर लिया है इसी तरीके से जिस तरह फ्रंट साइड पे कपड़ा लगाया था। इसके बाद दोबारा से आप एक बार सेंटर से इसको प्रेस कर लें, फ्रंट साइड को भी और बैक साइड को भी। शर्ट को मैंने बिल्कुल खोल के इस तरह बिछा लिया है, सेट कर लिया है। सेंटर को सेंटर पॉइंट से मिलना चाहिए, बिल्कुल सेट करके रख लिया है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है बैक साइड का, उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरीके से ये फोल्ड होगा, कमर से थोड़ा थोड़ा ये बाहर ही रहेगा। यहाँ पर अब मैं पिंस लगा दूंगी। दोनों तरफ मैंने पिंस लगा दी हैं। पिंस लगाने के बाद एक बार आप लाजमी मेजरमेंट चेक कर लीजिएगा चेस्ट से और कमर से, कहीं ये तंग या खुला तो नहीं है। अगर तंग है तो आप नीचे वाले कपड़े को थोड़ा बाहर निकाल लें और अगर खुला है तो नीचे वाले कपड़े को थोड़ा और अंदर कर लें। पहले अपनी फिटिंग चेक कर लें, उसके बाद यहाँ पर ऊपर सिलाई लगाएं। साइड की दोनों तरफ से सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं। मैंने यहाँ से भी इसको स्टिच कर दिया था। अब बाजू बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आम कमीज़ के जिस तरह बाजू जुड़ते हैं उसी तरीके से बाजू इसके जुड़ेंगे।
शर्ट बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको अपने मेजरमेंट के हिसाब से ही रखिएगा और ये थोड़ी लूज फिटिंग में रहती है। ये वाला जो साइज़ है ये मीडियम टू लार्ज साइज़ है। अगर आप स्मॉल साइज़ की सीना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने मेजरमेंट के हिसाब से रखिएगा, बाद में इसकी फ़िटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि साइड्स पे ये डिज़ाइन बना हुआ है। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।